दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हो, यह है टीपू सुल्तान का मकबरा। जी हाँ दोस्तों, टीपू सुल्तान को यहीं दफनाया गया था, मेरे पीछे मकबरा। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है और मैं हूँ मैसूर में आया हुआ हूँ। मैसूर से 23 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ पर टीपू सुल्तान का मकबरा है, उसी जगह को देखने के लिए आए हैं। अगर जस्ट आप मेरे पीछे देखोगे तो वही पहला पोर्शन है जहाँ जाना है और टीपू सुल्तान का मकबरा देखना है। टाइगर ऑफ मैसूर यानी टीपू सुल्तान। जी हाँ दोस्तों, आज हम आए हैं टीपू सुल्तान का मकबरा देखने के लिए। बताना चाहता हूँ कि बेंगलोर से 150 किलोमीटर दूर मैसूर है और मैसूर से 23 किलोमीटर दूर है श्रीरंगपट्टनम, जहाँ पर टीपू सुल्तान का मकबरा है। तो ये इसका मेन रास्ता है यानी मेन गेट है जहाँ से हम अंदर जाने वाले हैं और देखने वाले हैं टीपू सुल्तान का मकबरा। तो दोस्तों ये जो गेट है, ये गुंबज का मेन गेट बोला जाता है, यानी इस गेट को जब आप क्रॉस करते हो तो जस्ट सामने गुंबज है यानी वहाँ मकबरा है, और लेफ्ट और राइट पर पार्क है जो आप देख सकते हो, और मैं जो करीब से आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं जस्ट सामने है मकबरा टीपू सुल्तान का। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये देखिए जहाँ हम जाने वाले हैं। अगर मैं लेफ्ट और राइट की बात करूं तो यहां पर आपको बहुत ही शानदार पार्क मिलेगा, और यहां पर कब्रें भी आपको दिखाई दे रही होंगी, यानी उस समय और भी बहुत सारे लोग थे जिनको यहां पर दफन किया गया था। ये इसकी राइट साइड है, यहां भी आप देख लीजिए पार्क है, और काफ़ी अच्छा सीटिंग प्लान है क्योंकि आपको पता है बेंगलोर में गर्मी ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं और यहाँ पर हमें अपने शू उतारने हैं, और यहाँ का मुझे ये प्रबंध इनका काफ़ी अच्छा लगा, तो यह मैंने शो उतारे थे अपनी इच्छा अनुसार। इन्हें 5-10 रुपये आप दे सकते हो। जस्ट आप ये देखिए यहाँ का व्यू देख सकते हैं, बीच में जो झंडा देख रहे हैं ये टीपू सुल्तान की पहचान थी और मैसूर की पहचान थी। बताते हैं कि टीपू सुल्तान को अगर आप खाली टीपू सुल्तान बोलते हो तो यहाँ के लोग नाराज़ हो जाते हैं। उनका कहना है कि मैसूर टाइगर या टाइगर ऑफ मैसूर लगाना ज़रूरी है। तो अभी हम जा रहे थे मकबरा, यहाँ पर हमारे कुछ लोग मिल गए जो जानते हैं। और हेलो कर दो। हेलो, आप लोग यहाँ से ही हो सब? हाँ, हाँ, अच्छा तो आप मकबरा देखना है? हाँ, रहने वाले कहाँ के आप लोग? अच्छा, वेरी गुड। अरे मैसूर के तो लोग बहुत अच्छे हैं, कर्नाटक का खाना भी अच्छा है, होटल भी बहुत सस्ते में मिल गया 600 रुपये में। तो देख लिया आपने? चलो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो, शेयर करो। चलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ टीपू सुल्तान का मकबरा देखने के लिए, और अंदर एंट्री कर लिया, कुछ भाई मिल गए थे जाने पहचाने वाले। तो अभी मैं जस्ट यहाँ पर फर्स्ट स्टेप खड़ा हूँ, यहाँ पर आप एक झंडा देख सकते हो और यहाँ पर आप शू उतार सकते हो, और जस्ट मेरे पीछे देख रहे हो ये मकबरा है जहाँ मैं जाने वाला हूँ। दोस्तों अगर मकबरे की बात करें तो यहाँ पर टीपू सुल्तान उनकी तो कब्र है, साथ ही साथ उनके जो पिता हैदर अली हैं उनकी भी यहाँ पर कब्र है, और साथ ही साथ उनकी जो माँ है फ़कर उन निशा उनकी भी यहाँ पर कब्र है, साथ ही साथ उनके जो बच्चे हैं उनकी भी कब्र है। यहाँ का व्यू देख सकते हैं, ये जो कब्र देख रहे हैं ये उसी समय उनके ख़ानदान की मान सकते हो या उनके जो करीब रहे होंगे उन लोगों की कब्र हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं दिखाने वाला हूँ वो टीपू सुल्तान के जो पुत्र हैं उनकी मैं कब्र दिखाने वाला हूँ। ये जो कब्र देख रहे हैं ये टीपू सुल्तान के जो सन उनके लड़के रहे उनकी कब्र आप ये देख सकते हो। और दोस्तों ये बीच वाली जो कब्र है ये टीपू सुल्तान के जो साले हैं ये उनकी कब्र है, और साइड में जो आप देख रहे हैं ये टीपू सुल्तान की जो वाइफ यानी उनकी जो पत्नी है उनकी आप ये कब्र देख सकते हो, जिनका नाम था रुकैया बेगम। तो यहाँ पर 3 कब्र हैं, एक साले की, एक उनकी वाइफ की और एक उनके लड़के की। दोस्तों थोड़ा आगे चलोगे तो जस्ट आप ये जो देख रहे हैं ये मकबरे के जस्ट सामने ये मस्जिद है, ये उसी दौर की बनी हुई है। तो हालांकि यहाँ नमाज होती है आप देख सकते हो,
ये है अक्सा मस्जिद यहाँ की। और दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आप यहाँ होगे तो बीच में थोड़ा सा ये जो दे रखा है ग्रीनरी, ये काफ़ी अच्छी लगती है। और जब यहाँ वाटरिंग होती है तो ये काफ़ी जो है अच्छा लगता है। दोस्तों मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये जो आप पिलर देख रहे हैं इनकी संख्या है 36, ये 36 पिलर है। ये 36 पिलर इसलिए हैं क्योंकि टीपू सुल्तान के जो फादर हैं हैदर अली, उन्होंने मैसूर में 36 साल राज किया था, इसलिए यहाँ पर 36 पिलर हैं। तो दोस्तों यहाँ आया था तब कुछ भाई मिल गए, और आप देखिए क्योंकि आज जुम्मा भी है तो इन्होंने मुझे कुछ अच्छी जानकारी दी। अस्सलाम वालेकुम। आप सब यहीं से रहते हैं? तो इन सारे भैया ने मुझे यहाँ की अच्छी जानकारी दी, जो कुछ हिडन पॉइंट मुझे नहीं पता थे इन्होंने बताए। और बोल दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो आप लोग यहीं रहते हैं? अब यहाँ से कहाँ जाएंगे आप? तो यहाँ नमाज कितने बजे होती है? 12:30 होती है। चलिए अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी जो जायज़ तमन्ना है उसको पूरा करें। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अंदर, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं टीपू सुल्तान, उनकी जो मज़ार है यानी उनकी जो कब्र है उनको हम यहाँ देखने वाले हैं। दोस्तों अगर गेट की बात करूँ तो ये गेट जो हैं सोने के हुआ करते थे, लेकिन जब अंग्रेज़ों का दौर आया तो वो यहाँ से पूरा सोना उखाड़ के ले गए। और इस गेट में आप हाथी के दांत अभी भी आप देख सकते हो, तो ये सोने से बना हुआ था टोटली। इसकी अगर छत की बात की जाए तो आप छत देखिए ऊपर की, साथ ही साथ आप ये कब्र देख सकते हो। यहाँ तीन कब्र हैं जो मैं एग्जैक्टली बताने वाला हूँ। ये येलो वाली जो कब्र देख रहे हैं ये है टीपू सुल्तान की कब्र। पहले आप अंदर का व्यू देखिए, छत देखिए, छत पे भी जो कलर किया गया है, पेंट किया गया है, वो सेम चीते की तरह किया गया है, क्योंकि मैसूर का चीता बोला जाता था, यानी टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता था टीपू सुल्तान को। ये जो है उनकी मदर का है, ये फादर का है, और बराबर में आप देख रहे हैं टीपू सुल्तान का है। बताना चाहता हूँ कि टीपू सुल्तान ने अपनी मदर और फादर को यहाँ पर दफनाया था, उसके बाद ये जगह जो है अपने लिए छोड़ी थी। और गेट को मैं जैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये सोने के गेट हुआ करते थे, लेकिन यहाँ से पूरा सोना अंग्रेज उखाड़ के ले गए। और अभी भी आप यहाँ हाथी का दांत देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप जो कवर देख सकते हैं ये टीपू सुल्तान की फैमिली की, यानी उनकी लड़की, उनके जो दामाद है, आप बारी बारी नाम पढ़ सकते हो पोस्ट करके, ये सारे नाम एग्जैक्टली लिखे हुए हैं। तो ये जस्ट मकबरे के बाहर बनाई गई हैं सारी की सारी कब्रें, यानी इनको यहीं आसपास में ही दफनाया गया है। इस साइड भी देख लीजिए, यहाँ भी नाम मेंशन है और आप नाम पढ़ सकते हैं। ये बहुत क्लोज थे टीपू सुल्तान के, यानी दामाद, उनकी लड़की, बेटी, इस तरीके से। अभी दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जस्ट अगर आप सामने देखेंगे तो ये मस्जिद है अक्सा मस्जिद, जो बता चुका हूँ। ये 36 पिलर हैं। 36 पिलर क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर हैदर, उन्होंने 36 साल ही राज किया था। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जस्ट सामने जो आप देख रहे हैं ये भले से आज जो है यहाँ पर आराम करने के लिए बनाया गया है, कोई मुसाफिर आ सकता है आराम करने के लिए, बट ये उस समय टीपू सुल्तान के लिए घोड़े का विश्राम जगह हुआ करती थी, यानी इसे बोलते हैं अश्वबल। अश्वबल, यार मेरी हिंदी भी कितनी कमज़ोर है। तो कब्र के यानी जो मकबरा है उसके चारों तरफ आपको ये जो अश्वबल यानी घोड़ों को बांधने वाली जगह आपको चारों साइड मिलेगी। जो आज मुसाफिर खाना है, बाहर से कोई एग्जैक्टली कोई इंसान आता है तो यहाँ पर वो विश्राम करता है। और बीच में ये है गुंबज जहाँ मैंने आपको जो है कब्र दिखाई थी। अभी दोस्तों मैं अगर आपको आउट व्यू दिखाऊं तो यहाँ भी साइड में आप जो है कब्र देख सकते हैं। एक कब्र और है जो आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इनका नाम भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए मदीना बेगम, ये भी काफ़ी क्लोज, और ये इसकी मेन एंट्री है। जितने भी गेट हैं सब सोने के बने हुए थे। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये गेट जो है ना अब लंदन के एल्बर्ट संग्रहालय में विस्थापित कर दिए गए हैं, यानी जो लंदन में म्यूज़ियम है वहाँ पर। अभी हम दोस्तों थोड़ा बाहर जा रहे हैं, यहाँ से ये व्यू देख सकते हैं, यहाँ भी बहुत सारी कब्र हैं उस दौर की, यहाँ पर अभी भी बहुत सारी यहाँ पर कब्र हैं। साथ ही साथ आप जो झंडा देख रहे हैं, हालांकि ये जो कपड़ा है ये तो अभी नया है, बट ये उसी समय का झंडा है, यानी टीपू सुल्तान जो है झंडे का यूज़ किया करते थे, ये इनका प्रतीक था।
तो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी यहाँ करके, और काफ़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली। तो ये जो मैंने दिखाया था ये था टीपू सुल्तान का मकबरा, उनके जो फादर और उनकी जो मदर और उनकी जो पूरी फैमिली है वो यहीं पर दफन है। और जो झंडा दिखाया था ये टीपू सुल्तान का प्रतीक था, हालांकि ये नया कपड़ा है लेकिन प्रतीक पुराना है। तो आप यहाँ आ सकते हो, और इस जगह को भी मैंने नीचे मेंशन कर दिया है, और गूगल पर सर्च करोगे पूरी जानकारी मिल जाएगी कि टीपू का सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है। मैसूर से ये 20 किलोमीटर दूर है। तो अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, और आपकी दुआ से चैनल अच्छा चल रहा है। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप जो है और ग्रो करवाइए, आप इसको शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि हम यहाँ पर अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अल्लाह हाफिज़।